Dear student, welcome to online classes of Pakistan International Public School. I am your science teacher, Mr. Salim. Now we are going to start our science book. This is your new Oxford Primary Science for grade 3, written by Nicholas Herzberg. Now we are going to start our new topic on page 4. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर्स द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग. ठीक है, पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था आई के बारे में. ठीक है, जो सेंस ऑर्गन है हमारा. इसके बाद आज का जो सेकंड सेंस ऑर्गन है वो एयर है. अब जो है मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने लगी हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से देखिए. आवर एयर पिक अप ऑल द साउंड्स अराउंड अस, देन दे टर्न दिस इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म आवर ब्रेन कैन अंडरस्टैंड. आवर एयर हेल्प अस टू हेयर एंड आल्सो टू कीप आवर बैलेंस. ठीक है, हमारा कान, हमारे जो कान होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे इर्द गिर्द की आवाज़ों को पिक करते हैं और उसके बाद उसको भिजवाते हैं ब्रेन की तरफ ताकि वो उसको समझ सके. इसके अलावा हमारे कान जो हेयरिंग के अलावा बॉडी के बैलेंसिंग में भी हेल्प करते हैं. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हाउ वी हेयर, हम कैसे सुनते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मेक्स अ नॉइज इट सेंस वाइब्रेशन बेटर नोन एज साउंड वेव्स स्पीडिंग थ्रू द एयर. दीज वाइब्रेशन आर कैन कलेक्टेड इन टू द एयर कैनाल बाय द आउटर एयर. दे हिट द एयर ड्रम एंड काज इट टू वाइब्रेट एज वेल. द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द एयर सेंड मैसेज टू द ब्रेन अबाउट द वाइब्रेशन मेड बाय द साउंड वेव्स. द ब्रेन देन मेक सेंस ऑफ द मैसेज एंड टेल अस वट काइंड साउंड वी आर हेयरिंग. The ear has three parts, outer ear, middle ear, inner ear. इसमें हमें ये बता रहे हैं, प्रोसीजर बता रहे हैं कि हम आवाज़ को किस तरीके से सुन सकते हैं या किस तरीके से सुनते हैं. जब ऑब्जेक्ट जो होता है, यानी ऑब्जेक्ट से आवाज़ निकलती है या आवाज़ होती है किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है या साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है जो हवा के थ्रू मूव करती हैं. ठीक है, मूव करके कहाँ आती है ये वाइब्रेशन, कलेक्ट होती है हमारे एयर केनाल में. ठीक है, इन एयर केनाल जो आउटर एयर जो होता है वो क्या करते हैं, इन साउंड वेव्स को कलेक्ट करके एयर केनाल की तरफ भिजवा देता है और ये इन एयर केनाल जो होता है साउंड वेव को आगे एयर ड्रम की तरफ भिजवाता है और एयर ड्रम जो है अंदर हमारे कान के इनर एयर जो होते हैं वहाँ पर भिजवा देता है और वहाँ से फिर ब्रेन में आके जो है ब्रेन उस आवाज़ को पहचान लेता है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है. इस तरह हम आवाज़ को सुन सकते हैं. इसको समझने से पहले हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. ठीक है, ये हमारे पास इनर ईयर की इंटरनल स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है कान का ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, जो बाहर वाला हिस्सा है कान का ये आउटर ईयर है. इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, ईयर केनाल है. ईयर केनाल के साथ ही यहाँ पे ईयर ड्रम मौजूद होता है. ठीक है, ईयर ड्रम के पीछे जो है इनर ईयर मिडल ईयर मौजूद होता है. इस मिडल ईयर में तीन बोन्स होते हैं. ठीक है, मिडिल ईयर के बाद ये वाला पोर्शन जो है ये क्या कहलाता है, इनर ईयर. ठीक है, अब जब आवाज़ जो होती है साउंड वेव जो होती है आउटर मोस्ट क्या ईयर क्या करता है, इसको कलेक्ट करता है और किसकी तरफ भिजवाता है, एयर केनाल की तरफ. एयर केनाल की तरफ भिजवा देता है, यहाँ पे जो है उन साउंड वेव से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और साउंड वेव वाइब्रेट होकर किस से टकराते हैं, एयर ड्रम से. एयर ड्रम कहते हैं कान के पर्दे को भी कहते हैं. तो एयर ड्रम में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, इस वाइब्रेशन की वजह से जो मिडल ईयर में तीन बोन्स मौजूद होते हैं यहाँ पे भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है और ये वाइब्रेशन आगे ट्रांसफ़र होती है किस की तरफ, इनर ईयर की तरफ. ठीक है, इनर ईयर में क्या मौजूद होता है, सेमी सर्कुलर केनाल और कोक्लिया मौजूद होता है. तो वाइब्रेशन की वजह से कोक्लिया जो होता है यहाँ, इसके साथ नर्व सेल्स मौजूद होते हैं. तो ये क्या करते हैं, इस मैसेज को लेके जाते हैं ब्रेन की तरफ. ठीक है, नर्व सेल्स का फंक्शन हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि इसका काम क्या होता है, मैसेज लेके जाना ब्रेन की तरफ. तो ये मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन की तरफ और ब्रेन क्या करता है, उस आवाज़ को पहचान के हमें बता देते हैं कि हम किस किस्म की आवाज़ को सुन रहे हैं या हम किस चीज़ की आवाज़ को सुन रहे हैं. ठीक है, अब जो है हमने पढ़ा कि कान के तीन हिस्से होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर, ठीक है, और ये है इनर ईयर. आउटर ईयर,
मिडिल ईयर, इनर ईयर। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आउटर ईयर। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ईयर दैट वी कैन सी, वी कैन also see the opening of the air canal. This part act like a funnel to catch sound waves and direct them to the eardrum. ठीक है, ये कान का वो हिस्सा होता है जो हमें बाहर से नज़र आता है। ठीक है, हम इसके अंदर एयर केनाल को भी देख सकते हैं और ये एक फनल के तौर पर काम करता है। ये क्या करता है, आवाज़ों को कलेक्ट करता है और उसको किसकी तरफ भिजवाता है, एयर ड्रम की तरफ भिजवाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मिडल ईयर। अब हम इस मिडल ईयर को डिस्कस करेंगे। मिडल ईयर क्या है, दिस इज़ अ स्मॉल एयर फिल्ड स्पेस बिहाइंड द एयर ड्रम। ठीक है, एयर ड्रम के पीछे ये जो स्पेस बनी हुई है ये क्या है, ये मिडल ईयर है। दे आर थ्री टाइनी बोन्स इन द मिडल ईयर। इसमें क्या तीन छोटे से बोन होते हैं, और ये याद रखिए कि ये हमारे बॉडी के सबसे स्मॉल बोन भी हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड द हैमर, एनवल एंड स्टिरम। ठीक है, ये बोन्स क्या कहलाते हैं, फर्स्ट जो बोन है ये कहलाता है हैमर, इसके साथ ही ये बोन अटैच है एनवल, और इसी के साथ ये वाला जो बोन है ये क्या कहलाता है, स्टिरम। ठीक है, जब साउंड आउटर एयर जो है वो क्या करते हैं, साउंड को कलेक्ट करके एयर केनाल की तरफ भिजवाते हैं, एयर केनाल जो है एयर ड्रम के साथ जब टकराती है तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो वाइब्रेशन इस बोन में ट्रांसफ़र होती है। इस बोन की वाइब्रेशन की वजह से ये बोन भी वाइब्रेट होता है, और इस बोन की वाइब्रेशन से ये बोन जो है इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद जो है थर्ड वन जो है इनर ईयर। द इनर ईयर इज़ मेड अप ऑफ कोक्लिया एंड द सेमी सर्कुलर केनाल। दिस पार्ट ऑफ द ईयर कंट्रोल बोथ आवर हेयरिंग एंड बैलेंस। द कोक्लिया हैज़ फिल इन इट विच मूव एंड बैंड्स हेयर ऑन द सेल्स इन द इनर ईयर। देर आर अबाउट 17,000 रियली टाइनी हेयर्स इन साइड ईच ईयर। सम ऑफ दीज हेयर सेल्स क्रिएट सिग्नल विच आर सेंड टू द ब्रेन। द ब्रेन देन वर्क आउट वट वी आर हेयरिंग। दे आल्सो सेंड मैसेज टू द ब्रेन टू हेल्प अस कीप अवर बैलेंस वेन वी मूव। अब हम थर्ड बोन की तरफ आते हैं, थर्ड इनर ईयर की तरफ आते हैं। इनर ईयर में क्या मौजूद होता है, तीन स्मॉल बोन्स होते हैं यहाँ पे भी, जिनको सेमी सर्कुलर केनाल कहते हैं। इसके अलावा कोक्लिया, ये जो है इस शेप की स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसे कोक्लिया कहते हैं। यहाँ पे जो होता है एक फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है, और इसमें जो है स्मॉल हेयर भी मौजूद होते हैं। दोनों कानों में तकरीबन 17,000 के करीब स्मॉल हेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, सिग्नल क्रिएट करना। ठीक है, इसी कोक्लिया के साथ जो है नर्व सेल्स अटैच होते हैं, तो ये हेयर्स क्या करते हैं, सिग्नल्स क्रिएट करते हैं, यानी मैसेज सिग्नल्स क्रिएट करके जो है मैसेज दिमाग की तरफ भिजवाते हैं, तो इस वजह से हम जो है आवाज़ों को सुन सकते हैं। इसके अलावा यही हेयर्स क्या करते हैं, एक मैसेज भिजवाते हैं ब्रेन की तरफ, ताकि वो हमारे बॉडी को बैलेंस करने में मदद दे जिस वक्त हम मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा आज का टॉपिक। मैं अगेन इसको रिपीट करती हूँ, ये हमारे पास इंटरनल ईयर है। ठीक है, इंटरनल ईयर के तीन पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। ठीक है, अब जो है सबसे बाहर वाला एयर जो है, ये जो हमें नज़र आ रहा होता है इसे आउटर एयर कहते हैं। आउटर एयर के साथ एयर केनाल मौजूद होता है, एयर केनाल के साथ एयर ड्रम मौजूद है, एयर ड्रम के पीछे हमारे पास मिडल एयर होता है जिसमें तीन स्मॉल बोन्स होते हैं, हैमर, एनवल एंड स्टिरम। ठीक है, इसके पीछे जो है इनर एयर मौजूद होता है जिसमें सेमी सर्कुलर केनाल्स होते हैं, कोक्लिया मौजूद होता है। जब साउंड वेव्स जो होते हैं वो ट्रेवल, ये कान जो आउटर कान क्या कहते हैं, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, केनाल की तरफ भिजवाता है, केनाल जो है एयर ड्रम की तरफ, एयर ड्रम की वाइब्रेशन से मिडल ईयर के जो बोन्स है इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। ये वाइब्रेशन आगे इस साउंड वेव्स को आगे ट्रांसफ़र करते हैं किसकी तरफ, इनर ईयर की तरफ, और इनर ईयर में ये कोक्लिया जो है इसमें फ्लूइड मौजूद होता है जो क्या करता है, इसमें स्मॉल हेयर्स भी मौजूद होते हैं जो मैसेज क्रिएट करते हैं और उस मैसेज को ब्रेन की तरफ भिजवाते हैं, जिसकी मदद से हम ब्रेन जो होता है वो आवाज़ों को सुनता है, यानी मैसेज जब ब्रेन के पास पहुंचते हैं तो वो हमें बताते हैं कि हम किस चीज़ की आवाज़ को सुन रहे हैं। इसके अलावा यही हेयर्स जो होते हैं ब्रेन की तरफ मैसेज भिजवाते हैं जिस वक्त हम मूव कर रहे होते हैं, ताकि हमारे बैलेंस में हेल्प कर सके। ये था हमारा आज का टॉपिक, इसको अच्छे तरीके से घर में आप खुद भी पढ़ें पेरेंट्स की हेल्प से। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। थैंक्स।